को मनी पढ़ाने सर तीन महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ेंगे सुनिए हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉन वेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉन वेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है काटेंगे, काट दिया नाम, हाँ दिखाइए ना, नाम काट दिया, ये मारने का आधा रखे बैठे हैं सबको। एक 5 साल का बच्चा क्या आतंकवादी हो सकता है? आप भी सोच रहे होंगे कि कैसी बेतुकी की बात है। गुनाह के इतने चेहरे हैं कि आज आप बस यही सोच सकते हैं कि कौन किसके साथ और कितना बुरा कर सकता है। आज गुनाह के इस एपिसोड में एक और हैरान कर देने वाली कहानी आपको सुनाएंगे। क्या स्कूल में नॉनवेज लाना गुनाह है? क्या शिक्षा विभाग ने कोई नियम बना रखा है? क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश आया है? सवाल इसीलिए क्योंकि अमरोहा में एक 5 साल के बच्चे के लिए ये सवाल उसके भविष्य का सवाल बन गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे नॉनवेज लेकर आने पर आतंकवादी करार दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं हिल्टन स्कूल के प्रिंसिपल। आपने बच्चे को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें, नहीं क्लास में नहीं बिठा, बच्चों को पढ़ाना हमें, फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर, तीन महीने जो हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ेंगे सुनिए हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉन वेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉन वेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है आपके पास ये सिखाना है, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं, पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है, अर्नब नाम का लड़का है वो मारता अब है। आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं क्योंकि आप हमें शिकायत करते ना, ऐसा नहीं है, आपने नहीं है, मैं है ना क्या कहते हैं, आप ज्यादा मत करिएगा, मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा, मैं अभी साहब हमें साथ दीजिएगा, आप मास्टर का करिएगा, हमारा फीस लेके जाइएगा, तब जहाँ से भेजेंगे आपको, ऐसे कैसे भेजेंगे आप, काट के दिखाइए, अरे काटेंगे, जाएंगे ना, काट दिया नाम, हाँ दिखाइए ना, नाम काट दिया, उनको ले जाइए आप घर, हाँ बिल्कुल, अपने भाई आकर बिठाने क्लास के अंदर, क्यों जो ऐसी बातें करेगा, मुझे फोन क्यों नहीं करा सुबह के, अरे क्यों नहीं करा, आपको करा था हमने फोन, नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा, 1250 से मंजू मैम का फोन आया, 1257 से मैं आपके, आप बहुत देर हुई, अब आप बाहर पहुँचिएगा, मैं गार्ड को बुलाऊंगा। टिफिन नॉनवेज लाने पर भड़के हिल्टन स्कूल के प्रिंसिपल यही नहीं रुके, बल्कि 5 साल के मासूम बच्चे पर लोगों को मारने का इरादा रखने जैसे संगीन इल्जाम लगा दिए। सुनिए प्रिंसिपल ने आगे क्या कहा। ये मारने का इरादा रखे बैठे हैं सबको, ये गलत है, आपको ये सिखा रहा है सबको, आप सिखा रहे हैं इसको, ये कितना बड़ा, आप सिखा रहे हैं इसको, इस बात ये घर पर सिखा रहे हैं, आप ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये, आपको नॉन वेज खिला करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, बात करेगा कि मुसलमान हुआ सबको, जो बच्चे आपसे कह रहे हैं वो कितने साथी हैं, आप ये बताइए, ठीक है अब आप हमसे क्या चाहते हैं मैम, आप हम आपके बच्चों को नहीं खिलाना चाहते, अरे हमें अभी तो आप ऐसी बातें कर रहे होंगे ना, ये तो आपको क्या, हमारे दिमागों में नहीं, हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें नहीं पढ़ा रहे। मामला लोगों को पता चला तो नॉनवेज लाने पर बच्चे का स्कूल से नाम काट देने और बच्चे के साथ स्कूल में इस तरह के व्यवहार करने से नाराज अमरोहा की मुस्लिम कमेटी ने एक मीटिंग कर एसडीएम के जरिए केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को स्कूल प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन भेजा और आरोपी प्रिंसिपल पर मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। हमने इस तमाम प्रकरण को केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इसका ज्ञापन उपजिलाधिकारी महोदय अमरोहा के माध्यम से प्रेषित किया है और ये शिक्षा निदेशक जो इसके CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है वहाँ के डायरेक्टर को भी हमने भेजा है कि ऐसे प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा धार्मिक उन्माद भड़काने का लगाया जाए, क्योंकि जो शिक्षा का मंदिर है उसके ऊपर लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए वहां पे भेजते हैं और इस प्रिंसिपल ने उसके ऊपर जो धार्मिक उन्माद भड़काने के नारे और इस टाइप से व्यक्तिगत टिप्पणी की है जो हमारे एक हिंदू मुस्लिम संस्कृति है अमरोहा की बल्कि हिंदुस्तान की, उसको ठेस पहुँचाने का कार्य इस प्रिंसिपल ने किया है, तो लिहाजा हमने मांग की है कि तुरंत किसी निष्पक्ष अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए और ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज करके उसको FIR की जाए और उसको इसकी सजा दी जाए। मुस्लिम कमेटी के एक्शन में आने और मामला दिल्ली तक पहुंच जाने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और बेसिक शिक्षा अधिकारी वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए
हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चे की मां की कहा सुनी और आरोप प्रत्यारोप की जांच के लिए अमरोहा के 3 राजकीय कॉलेजों के प्रिंसिपल्स की एक संयुक्त टीम बना दी है जो अब इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट 3 दिन में पेश करेगी। शिक्षा के मंदिर में हुई इस घटना ने बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है, कितना जहरीला होता जा रहा है। कमेटी जांच करेगी, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। क्या सच्चाई है वो तो सामने आएगी, लेकिन प्रिंसिपल ने अपने जुबान से एक मासूम के लिए, वो भी अपने ही स्कूल के स्टूडेंट के लिए जो कहा, वो शर्मसार कर देने वाला है। आप इस मामले पे क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।